हेलो गाइस, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं टाइप्स ऑफ यूनिवर्सिटीज़ की। काफ़ी इजी लेक्चर है और बहुत ज़्यादा बढ़ा चढ़ा के, जैसे आपको पता है, हम लोग बात नहीं करते, टू द पॉइंट देखेंगे और उसके बाद जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं इस लेक्चर के बेसिस पे उसको भी देख लेंगे। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। लेकिन उससे पहले, हायर एजुकेशन का फुल कोर्स जो है अब हमारी वेबसाइट और ऐप पर लॉन्च हो गया है और इसमें अभी फ़िलहाल डेली एक एक वीडियो डाला जा रहा है। कुछ ही समय में ये फुल फ्लेज्ड कोर्स बन जाएगा, जिसे आप अपनी सहूलियत के हिसाब से जब भी आप फ्री हों आराम से देख पाएंगे। कोई लाइव आने की टेंशन नहीं, कोई टाइम को सेट करने की टेंशन नहीं, और बिल्कुल टू द पॉइंट नोट्स भी यहाँ पर आपको मिलेंगे जो कि रीडेबल होंगे, और सेक्शन वाइज प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी साथ में मिलेंगे। यानी पढ़ करके आप वहाँ पे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की मदद से प्रैक्टिस भी कर सकते हैं। और इसके अलावा एक और चीज़ अलग से अवेलेबल है, मतलब काफ़ी बच्चों को कन्फ्यूजन हो रही है कि क्या कोर्स और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन एक ही हैं। नहीं, ये दोनों अलग अलग हैं। कोर्स में आपको लेक्चर के नोट्स मिलते हैं और सेक्शन वाइज क्वेश्चंस भी मिलते हैं लगाने को, और ये बिल्कुल अलग चीज़ है जहाँ पे आपको केवल और केवल क्वेश्चंस मिलते हैं ईयर वाइज और सेक्शन वाइज या यूनिट वाइज। तो ये भी आप ज़रूर से चेकआउट करें। इसमें फ्री डेमो भी अवेलेबल है, कोर्स के अंदर भी लेक्चर्स में फ्री डेमो अवेलेबल है, दोनों जगह फ्री डेमो अवेलेबल है। और इसे आप इस वेबसाइट या ऐप के थ्रू एक्सेस कर सकते हैं जो प्ले स्टोर पे अवेलेबल है। और अगर आपको फ्री डेमो कैसे प्राप्त करना है नहीं समझ में आ रहा, तो इस व्हाट्सएप पे भी आप क्लिक कर सकते हैं, और इस व्हाट्सएप का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में भी दिया है, वहाँ जाके भी आप इसे चेक कर सकते हैं। ओके, तो बैक टू आवर टॉपिक जो कि है टाइप्स ऑफ यूनिवर्सिटीज़। आइए आगे बढ़ते हैं और इसे हम थोड़ा देख लेते हैं। ओके, तो सबसे पहला हमारी जो यूनिवर्सिटी है वो है सेंट्रल यूनिवर्सिटी। सेंट्रल यूनिवर्सिटी वो यूनिवर्सिटी होती है जिसे इंडिया के अंदर थोड़ा रेप्यूटेड माना जाता है, और इसका जो भी देखरेख है, जो भी इसकी फंडिंग वगैरह है, वो केंद्र सरकार यानी कि सेंट्रल गवर्नमेंट इसको संभालती है, इसीलिए इसको बोला जाता है सेंट्रल यूनिवर्सिटी। हमारे इंडिया में काफ़ी सारी सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ हैं। एक्चुअली कितनी हैं इसको अभी हम देखने जा थोड़ी देर में देखेंगे गूगल पे कि कैसे हम इसे सर्च करते हैं, क्योंकि ये नंबर हमेशा बदलते रहते हैं यूनिवर्सिटीज़ के। तो मैं आपको तरीका बता दूंगा, जब भी आपका पेपर होने वाला हो तो कुछ ही समय में कैसे आप चेक करके लेटेस्ट नंबर पता करने की कितनी एक्चुअल यूनिवर्सिटीज़ हैं, है ना। तो सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ भाई, जिसको सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ वो होती हैं जिसको जो फंडिंग वगैरह देने का काम होता है वो केंद्र सरकार का होता है, और इसके अलावा जो प्रेसिडेंट होता है, जो राष्ट्रपति है, वो विजिटर माना जाता है सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ का। यानी कि जब भी वो उस एरिया में आता है, उस सिटी वगैरह में आता है, तो उसको पूरा अधिकार होता है कि वो विजिट करे सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ में और वहाँ कौन सा काम कैसे चल रहा है उसकी जाँच पड़ताल कर सके, क्योंकि वो एक विजिटर माना जाता है। ओके, अब एक्चुअली में सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ बहुत सारी हैं, लेकिन कुछ कॉमन जो यूनिवर्सिटीज़ हैं सेंट्रल में उनको हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं। जैसे यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली, यूनिवर्सिटी ऑफ अलाहाबाद, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी, जामिया मिलिया इस्लामिया, भीमराव अम्बेडकर यूनिवर्सिटी, इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी, इग्नू। इग्नू को हम लोग अभी थोड़ी देर में आगे भी पढ़ेंगे जो डिस्टेंस एजुकेशन में आने वाला है, बट आपको इतना ध्यान होना चाहिए कि इग्नू भले ओपन यूनिवर्सिटी है, भले ही वो डिस्टेंस एजुकेशन प्रोवाइड कराता है, लेकिन फिर भी ये सेंट्रल यूनिवर्सिटी माना जाता है। आई होप ये क्लियर हो गया। उसके बाद है जेएनयू, ये जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी, और उसके बाद लैंग्वेजेस की यूनिवर्सिटी है इंग्लिश एंड फॉरेन लैंग्वेज यूनिवर्सिटी, जिसको हम शॉर्ट में EFLU भी बोलते हैं। कभी कभी जो आपके क्वेश्चंस बनते हैं उसमें पूछ लिया जाता है कि भाई इनमें कौन सी सेंट्रल यूनिवर्सिटी है, कौन सी स्टेट यूनिवर्सिटी है, तो वैसे तो बहुत लंबी चौड़ी लिस्ट है और मैं बिल्कुल रिकमेंड नहीं करता कि आप वो PDF को पूरा रटो कि कौन कौन सी हैं। हालांकि मैं अभी आपको दिखाऊंगा इसी लेक्चर में कि कैसे आप उन्हें डाउनलोड कर सकते हैं खुद से, वो भी फ्री में, है ना। बट मोटा मोटा आप देख लो कि भाई ये कुछ इंपॉर्टेंट यूनिवर्सिटीज़ हैं। अगली जो यूनिवर्सिटी है वो है स्टेट यूनिवर्सिटी। तो सेंट्रल यूनिवर्सिटी को संभालती है केंद्र सरकार, स्टेट यूनिवर्सिटी को संभालती है राज्य सरकार या स्टेट गवर्नमेंट। इसकी जो इम्पॉर्टेंस है वो कम मानी जाती है सेंट्रल यूनिवर्सिटी के मुकाबले, और काफ़ी बच्चे मुझसे पूछते भी हैं कि हम जो है PhD कहाँ से करें, सेंट्रल से या स्टेट से। तो मैं उन्हें यही रिकमेंड करता हूँ कि अगर सेंट्रल यूनिवर्सिटी थोड़ी सी भी दूर है तो आप सेंट्रल को प्रेफर करो, लेकिन बहुत ही ज़्यादा दूर है और स्टेट यूनिवर्सिटी बहुत ही ज़्यादा बगल में है, नहीं जा पाते इतना दूर, तो आप स्टेट यूनिवर्सिटी से भी कर सकते हो। लेकिन
सेंट्रल यूनिवर्सिटी जैसे मैंने बोला थोड़ी ज़्यादा रेपुटेशन है, और वहाँ से आप करते हैं तो आपको थोड़ा एडवांटेज होता है, लोगों की आप नज़र में आते हैं, आपको थोड़ी रिकॉग्निशन मिलती है। ओके, तीसरे टाइप की यूनिवर्सिटी है प्राइवेट यूनिवर्सिटी। प्राइवेट मतलब है निजी यूनिवर्सिटी, निजी विश्वविद्यालय। इसका मतलब कि ना तो इसको बनाने में सरकार का पैसा लगा है, ना तो केंद्र सरकार का और ना ही राज्य सरकार का, है ना। प्राइवेटली किसी बिजनेसमैन या कोई भी जो बड़ा आदमी है वो लोन लेके या कुछ लोग मिल करके आपस में अपने खर्चे पे कोई अगर यूनिवर्सिटी खड़ी करते हैं तो वो प्राइवेट यूनिवर्सिटी कहलाती है। जनरली जो यूनिवर्सिटीज़ होती हैं इनके पास अधिकार नहीं होता है कि ये अपनी ओर से किसी को प्रमाणित कर पाए कि हाँ भाई तुमने इस यूनिवर्सिटी से ये कोर्स करा है। अगर अपने अपनी उनको प्रमाणिकता नहीं दे सकते हैं किसी भी कोर्स को, तो ऐसे में क्या करती हैं कि जो प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ होती हैं ये अफिलिएटेड होती हैं किसी स्टेट या सेंट्रल यूनिवर्सिटी से। तो जैसे फॉर एग्जांपल मान लो कोई यूनिवर्सिटी है, एक प्राइवेट यूनिवर्सिटी है, है ना, आपको हो सकता है कि ये क्लासेस प्रोवाइड कराए, आपका एडमिशन कराए, लेकिन एंड में आपके एग्ज़ाम लेके जो आपको डिग्री देगी ये किसी एक सरकारी यूनिवर्सिटी की होगी, चाहे वो स्टेट हो सकती है चाहे वो सेंट्रल हो सकती है। यानी प्राइवेट यूनिवर्सिटी के पास अपना अधिकार नहीं होता अपने और से प्रमाणित करने का कि हाँ भाई आपने ये कोर्स हमारे यहाँ किया है। तो इस चीज़ को हम कहते हैं अफिलिएशन होना। तो प्राइवेट कॉलेज इज सेड टू बी अफिलिएटेड, विच मीन्स दैट द करिकुलम और द डिग्री ऑनर्ड टू द स्टूडेंट ऑफ दैट कॉलेज विल बी अवार्डेड बाय अफिलिएटिंग यूनिवर्सिटी। तो कोई भी प्राइवेट यूनिवर्सिटी किसी भी यूनिवर्सिटी से अगर अफिलिएटेड है तो उसकी आपको डिग्री मिलेगी, ना कि प्राइवेट यूनिवर्सिटी के नाम की आपको डिग्री मिलेगी, है ना। आई होप ये चीज़ आपको समझ में आ गई। तो इनके पास वो मान्यता नहीं होती, वो अधिकार नहीं होता कि वो अपने नाम की डिग्री किसी को दे पाए। उसके बाद अगली यूनिवर्सिटी आती है डीम्ड यूनिवर्सिटी। तो डीम्ड यूनिवर्सिटी एक ऐसी प्राइवेट यूनिवर्सिटी आप मान सकते हो। मान लो किसी क्षेत्र में कोई प्राइवेट यूनिवर्सिटी बहुत अच्छा काम कर रही है, बहुत टॉप रैंक ला रही है, बहुत अच्छी फैसिलिटीज़ हैं, और एक स्पेशलाइज्ड मान लीजिए किसी काम में इससे अच्छी कोई यूनिवर्सिटी नहीं निकल पा रही, तो यूजीसी की रिकमेंडेशन पे जो एमएचआरडी है या जो एमओई है वो उस प्राइवेट यूनिवर्सिटी को डीम्ड यूनिवर्सिटी का खिताब दे सकता है, उसे डीम्ड यूनिवर्सिटी की मान्यता दे सकता है। इससे फ़ायदा क्या होता है? इससे फ़ायदा ये होता है कि अब प्राइवेट यूनिवर्सिटी को कोई अफिलिएशन ही लेने की ज़रूरत नहीं पड़ती किसी स्टेट या सेंट्रल यूनिवर्सिटी से, इसको कुछ अधिकार मिल जाते हैं। डीम्ड यूनिवर्सिटी के पास कुछ स्पेशल अधिकार होते हैं, जैसे ये अपना कोर्स खुद से डिसाइड कर सकते हैं, अपना करिकुलम खुद से डिसाइड कर सकते हैं, कोर्स में फ़ी कितनी लेंगे, पढ़ाई कैसे कराएंगे, एडमिशन प्रोसीजर क्या होगा, इनमें इनको अपनी मान्यता मिल जाती है, अपनी मर्जी से अब ये काम कर सकते हैं। तो ये डीम्ड यूनिवर्सिटीज़ पहले जो कि अफिलिएटेड थी, लेकिन अब इन्हें अफिलिएशन की कोई भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अब सारे के सारे अधिकार, कैसे क्या पढ़ाई होगी ये इनके अपने पास हैं। ओके, तो 2020 वाला जो पेपर हुआ उसमें डीम्ड यूनिवर्सिटी से जुड़े हुए बहुत सारे क्वेश्चंस आए, और उसमें ये भी पूछा गया कि किसी यूनिवर्सिटी को डीम्ड यूनिवर्सिटी बनाने के लिए उसे कौन से क्राइटेरिया पूरे करने होते हैं, कौन से पैरामीटर्स पूरे करने होते हैं, कि वो 20 साल से ज़्यादा पुरानी होनी चाहिए, कम से कम इतने फैकल्टी मेंबर्स होने चाहिए, कम से कम इतने टीचर स्टूडेंट का रेशियो होना चाहिए, एंड सो ऑन। और 2020 में ही ऐसे सवाल आए, ना 2020 से पहले ये ऐसे सवाल कुछ पूछे गए और ना 2020 के बाद ऐसे कोई डीम्ड यूनिवर्सिटी से सवाल आ रहे हैं। इनफैक्ट डीम्ड यूनिवर्सिटी से बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस आते ही नहीं है, ना। तो अगर अभी तक आप वो कंडीशंस की कैसे डीम्ड यूनिवर्सिटी बनती हुई पढ़ते हुए आ रहे हैं तो इस बार के लिए आप स्किप कर सकते हैं, और यही रीज़न है कि इस बार के नोट्स में वो नहीं डाला हुआ है, क्योंकि जैसा आपको पता है कि ये टू द पॉइंट नोट्स मेरे रहते हैं एंड ऑन द बेसिस ऑफ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस चलते हैं, और मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि इस बार जो पेपर होगा उसमें भी डीम्ड यूनिवर्सिटी आपका बहुत ज़्यादा नहीं आने वाला है। एक आध क्वेश्चन कहीं दिख गया बात अलग है किसी पेपर के सेट में, बट जैसे पहले एक बार हुआ था ना, एकदम बॉम्बार्डिंग हो गई थी। अगर आप पहले से यूजनेट का पेपर दे रहे हैं तो आप इस बात से इत्तेफाक रखते होंगे कि बहुत सारे कंडीशंस कि कैसे डीम्ड यूनिवर्सिटी बनती है उस पर क्वेश्चंस आ रहे थे, है ना। तो अभी के लिए आपको इतना पढ़ना है। आई होप आपको समझ में आ गया डीम्ड यूनिवर्सिटी क्या होती है। और यहाँ थोड़ा सा हम देख लेते हैं कि इंडिया के अंदर जो सबसे पहली डीम्ड यूनिवर्सिटी आई वो थी इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस।
जो कि 1958 में जिसको कि डीम्ड यूनिवर्सिटी बना दिया गया। ठीक है, तो ये हमारी डीम्ड यूनिवर्सिटी होती है। शॉर्ट में देख रहे हैं, बहुत ज़्यादा वैसे भी ओवरऑल इस लेक्चर से क्वेश्चंस नहीं आते। अगली जो यूनिवर्सिटी है इससे सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस आते हैं। स्टेट यूनिवर्सिटी से ज़्यादा क्वेश्चन नहीं आते, डीम्ड से नहीं आते, प्राइवेट से तो बिल्कुल नहीं आते, सेंट्रल से कभी कदार आ जाते हैं, लेकिन ओवरऑल देखा जाए तो ओपन यूनिवर्सिटी के क्वेश्चन जो होते हैं वो ज़्यादा होते हैं। ओके, तो ओपन का क्या मतलब है यहाँ पे? ओपन का मतलब है खुली यूनिवर्सिटी। खुली का मतलब कि इस यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेने के लिए, कोई कोर्स ज्वाइन करने के लिए आपको बहुत ज्यादा टर्म्स एंड कंडीशंस या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को फॉलो करने की जरूरत नहीं है, मतलब बहुत इजीली एडमिशन हो जाता है यहाँ पे। जैसे आप सबको इग्नू तो पता ही होगा, एक ओपन यूनिवर्सिटी है, और ओपन यूनिवर्सिटी होने के साथ साथ ये एक सेंट्रल यूनिवर्सिटी भी है जो हमने अभी अभी देखा। तो ओपन होने है इसलिए हम देखते हैं कि एडमिशन बहुत आसानी से हो जाता है, बहुत ज़्यादा मार्क्स की ज़रूरत नहीं होती। अगर आपको मान लो मास्टर्स में एडमिशन लेना है तो शायद ग्रेजुएशन में ऐसे 50% कुछ मांगते हैं, लेकिन अगर आप किसी नॉर्मल यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेने जाएंगे मास्टर्स के लिए, कहीं कहीं पे एंट्रेंस टेस्ट होते हैं, मेरिट लिस्ट निकलती है, जिसके मार्क्स ज़्यादा होते हैं उसको ही एडमिशन मिलता है। तो यहाँ ऐसी कोई भी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, कोई ऐसा कॉम्पिटिटिव एग्जाम, एंट्रेंस एग्जाम नहीं लेते हैं। बहुत इजीली आपका, अगर कुछ निश्चित आप मार्क्स लेकर के आए हैं तो इजीली आपका एडमिशन यहाँ हो जाता है। तो ये कहलाता है हमारा ओपन यूनिवर्सिटी, है ना। ओपन यूनिवर्सिटी के साथ एक और टर्म जुड़ा होता है जनरली, वो है डिस्टेंस एजुकेशन। तो ओपन यूनिवर्सिटी का मतलब अलग है और डिस्टेंस एजुकेशन का मतलब अलग है। ओपन यूनिवर्सिटी जैसे मैंने बताया, जहाँ बहुत आसानी से एडमिशन हो जाए, और डिस्टेंस एजुकेशन का मतलब है कि आप उस यूनिवर्सिटी से बहुत दूर रह के भी घर बैठे बैठे पढ़ाई कर पाए। हालांकि ये दोनों नाम हमको जनरली एक साथ ही सुनने को मिलते हैं, क्योंकि अगर कोई यूनिवर्सिटी ओपन यूनिवर्सिटी है तो उसका एक तरीके से ये भी मतलब हो जाता है कि आपका एडमिशन भी आसानी से हो जाता है और घर बैठे बैठे आपको कॉन्टेंट भी मिल जाता है, आप घर बैठे बैठे पढ़ते हैं और जाके एग्जाम दे देते हैं, है ना। तो यहाँ पे यही चीज लिखी है, ओपन यूनिवर्सिटीज में एम्प्लॉय स्पेसिफिक टीचिंग मेथड्स। तो ओपन यूनिवर्सिटी जो है ये कुछ प्रकार के मेथड्स को यूज करके पढ़ाई करवाता है, जैसे ओपन सपोर्टेड लर्निंग यानी कि ओपनली लर्निंग हो रही है, या फिर डिस्टेंस एजुकेशन, घर बैठे बैठे पढ़ाई करवाना। तो यहाँ कुछ आंकड़े हैं इससे जुड़े हुए कि भाई सबसे पहली जो इंडिया की ओपन यूनिवर्सिटी है वो 1982 में आई, और उसका नाम था भीमराव अंबेडकर ओपन यूनिवर्सिटी। लेकिन प्रेजेंट डेट में हम देखें तो इग्नू सबसे ज्यादा पॉपुलर है, और इग्नू जो आया वो आया 1985, यानी भीमराव अंबेडकर यूनिवर्सिटी बनने के 3 साल के बाद इग्नू आ गया। ओके, तो इससे कुछ क्वेश्चंस फिर भी बन जाते हैं, बट ओवरऑल ये चैप्टर है मॉडरेट है, बहुत कोई मैं ये नहीं कहूंगा कि बहुत ज्यादा क्वेश्चंस इससे आते हैं, तो क्योंकि मैं क्वेश्चंस देखता रहता हूं तो इतना आइडिया लग जाता है ना। तो यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं। द पर्पस ऑफ हायर एजुकेशन इज टू प्रमोट क्रिटिकल एंड क्रिएटिव थिंकिंग एबिलिटीज अमंग स्टूडेंट। हायर एजुकेशन का उद्देश्य है क्रिएटिव थिंकिंग और क्रिटिकल थिंकिंग स्टूडेंट्स को प्रोवाइड करना। यानी कि क्रिटिकल का मतलब होता है हर चीज में क्या गलत है, क्या सही है, क्या अच्छा है, क्या बुरा है, एकदम दिमाग से सोचना और परखना क्रिटिकल थिंकिंग कहलाता है। सेकेंड, डीम्ड यूनिवर्सिटी कैन डिजाइन देयर ओन सिलेबस एंड कोर्सेज बट कैनॉट ग्रांट डिग्रीज। क्या कह रहा है? डीम्ड यूनिवर्सिटी जो है वो अपना सिलेबस, अपना कोर्स वर्क बना सकता है लेकिन डिग्री नहीं प्रदान कर सकता। तो जैसा आपको पता है कि डीम्ड यूनिवर्सिटी वो यूनिवर्सिटी है जो डिग्री प्रदान करती है ना, नहीं कर सकती, नहीं करती है ये प्रदान डिग्री, तो इसका मतलब सेकेंड स्टेटमेंट गलत हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। सेंट्रल यूनिवर्सिटी इज एस्टैब्लिश्ड अंडर एन एक्ट ऑफ पार्लियामेंट। सेंट्रल यूनिवर्सिटी को पार्लियामेंट एक्ट जो है उससे इसे बनाया जाता है। स्टेटमेंट टू कह रहा है प्राइम मिनिस्टर जो होता है वो सेंट्रल यूनिवर्सिटी का विजिटर होता है, और जैसा हमने अपने नोट्स में देखा कि प्राइम मिनिस्टर नहीं, प्रेसिडेंट, प्रेसिडेंट होता है विजिटर सेंट्रल यूनिवर्सिटी का, तो ये हमारा गलत हो जाएगा। बाकी ये सही है, सेंट्रल यूनिवर्सिटी हो गया, स्टेट यूनिवर्सिटी हो गया, ये सब स्टैचुरी बॉडीज होती हैं और पार्लियामेंट में ही इन्हें, इनका गठन किया जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अजर्शन और रीजन का क्वेश्चन है। अ यूनिवर्सिटीज
यूनिवर्सिटीज प्ले अ की रोल इन बिल्डिंग अ सिम्बायोटिक रिलेशनशिप बिटवीन द नेशन स्टेट एंड सोसाइटी। क्या कह रहा है, यूनिवर्सिटी एक रिलेशन बनाती है नेशन के बीच में, स्टेट के बीच में एंड सोसाइटी के बीच में, है ना। सिम्बायोटिक मतलब सहजीवी, जो साथ में ही चलता है एक दूसरे के बिना, जो अपूर्ण है। इसका रीजन क्या कह रहा है, यूनिवर्सिटीज आर सेंटर फॉर क्रिएशन एंड ट्रांसमिशन ऑफ नॉलेज। तो यूनिवर्सिटी एक सेंटर है किसके लिए, क्रिएशन के लिए और ट्रांसमिशन ऑफ नॉलेज के लिए, जहां नॉलेज बनती है और जहां नॉलेज जो है वो ट्रांसमिट होती है। तो इसका आंसर यहां दिया हुआ है दो, यानी एक दूसरे से रिलेटेड नहीं है, बट जहां तक मुझे लग रहा है कि एक दूसरे से रिलेटेड होने चाहिए, क्योंकि कैसे ये आपस में रिलेशन बनाता है तो आगे कारण लगा होता है, मतलब assertion और रीजन के बीच में अगर आप बिकॉज लगा देते हैं तो वो एक कारण बन जाता है। तो यूनिवर्सिटी कैसे की रोल देता है नेशन स्टेट और सोसाइटी के बीच में, वो ऐसे देता है कि यूनिवर्सिटी एक केंद्र होता है जहां पे जानकारी क्रिएट होती है और दूसरों तक फैलती है, ट्रांसमिट होती है, है ना। तो आई थिंक एक होना चाहिए, तो हम यहाँ पे इसको एक कर देते हैं, ठीक है। सो गाइज, आई होप आपको ये लेक्चर अच्छा लगा होगा, बहुत छोटा लेक्चर था और टाइप्स ऑफ यूनिवर्सिटी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। तो अगर आप किसी किताब में कुछ बड़े बड़े चिट्ठे पढ़ रहे हैं तो उसको मत पढ़ो, ये इतना छोटा सा जान लो, मोर देन इनफ है। इसके अलावा और ज़्यादा क्वेश्चंस आपको लगाने हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, ये जो नोट्स हैं ये भी आपको दिख जाएंगे, और मोर फ्री PYQs का जो ऑप्शन होगा उसको क्लिक कर लेना, तो वहाँ से और इससे जुड़े हुए प्रीवियसर क्वेश्चंस आपको मिल जाएंगे। इसके अलावा वही जो लिंक होगा डिस्क्रिप्शन में, उससे आपको पूरा हायर एजुकेशन का कोर्स दिखाई देगा, उसको आप स्क्रॉल करेंगे पूरा कोर्स स्ट्रक्चर भी दिखाई देगा। तो अगर आपको हायर एजुकेशन कमज़ोर है और आप टू द पॉइंट पढ़ना चाहते हैं तो उस कोर्स को भी ज़रूर से ज्वाइन कर सकते हैं। कुछ 100 रुपये इसकी फीस है, 3 महीने इसकी वैलिडिटी है, बहुत ज़्यादा इसका चार्ज नहीं। इसके अलावा सेक्शन वाइज अगर आप पेपर वन के क्वेश्चंस लगाना चाहते हैं या ईयर वाइज क्वेश्चंस लगाना चाहते हैं तो इस कोर्स को भी ज़रूर से चेकआउट करें, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, प्लस व्हाट्सएप पे आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, व्हाट्सएप का भी लिंक डिस्क्रिप्शन में है, क्लिक कर लेना और जो भी आपका मैसेज है फ्री डेमो कैसे एक्सेस करना है वगैरह आप पूछ सकते हो, ठीक है। तो चलो गाइस, बाय, टेक केयर, थैंक यू फॉर वॉचिंग, मिलते हैं अगले वीडियो में।